हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही T20 सीरीज एक बेहद अहम मोड़ पर आ गई है। 1-1 की बराबरी पर है इस वक्त ये सीरीज और अब तीसरा T20 मैच होने जा रहा है मंगलवार को अहमदाबाद में। अब भारतीय टीम एक और मैच जीतना चाहेगी, 2-1 से बढ़त करना चाहेगी इस पूरी सीरीज में। ऐसे में क्या होगा प्लेइंग 11 इस तीसरे T20 में, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिटमैन रोहित शर्मा की होगी वापसी, आइए जानते हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया ने धमाकेदार वापसी करते हुए दूसरा T20 जीत लिया और 1-1 से बराबरी कर ली। अब तीसरा T20 एक बार फिर से होने जा रहा है अहमदाबाद में। रोहित शर्मा की वापसी होने पर केएल राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। कोहली ने पहले मैच में टॉस के वक्त कहा था कि उन्हें शुरुआती मैचों में आराम दिया जाएगा। ईशान किशन ने दूसरे T20 में डेब्यू करते हुए धमाकेदार अर्धशतक बनाया था। केएल राहुल पिछले दोनों मैच में नाकाम रहे हैं और ऐसे में उनको बाहर किया जा सकता है। कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। मैच के हिसाब से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया जा सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए एक बार फिर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने की सूरत में हार्दिक पांड्या तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका अदा करेंगे। निचले क्रम में उनसे आक्रामक बल्लेबाजी की भी उम्मीद होगी। टीम में 2 तेज गेंदबाजों के तौर पर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर होंगे। पिछले मैच में दोनों ही गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की स्पिनर जोड़ी तीसरे मैच में भी साथ मिलकर अंग्रेज गेंदबाजों पर लगाम लगाने की